एशेज का नाम सुनते ही दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमी के मन में रोमांच, कॉम्पिटिशन, स्लेजिंग जैसे न जाने कितने शब्द दिमाग में चलने लगते हैं। और ये सच भी है कि एशेज ने एक क्रिकेट प्रेमी को ये सब दिया है। पहली बार 29 अगस्त 1882 को ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को दी ओवल में हराकर एशेज नाम की महान सीरीज का आगाज किया था। तब से लेकर अभी तक 141 साल हो गए और इन 141 सालों में एशेज का रोमांच उसी तरह बरकरार है। ऐसी ही एक सीरीज थी 2005 की, जिसे अगर एशेज की सबसे बेहतरीन और रोमांचक सीरीज कही जाए तो कम नहीं होगा। इसमें हर वो मसाला था जिसकी चाह एक सच्चे क्रिकेट प्रेमी को होती है। दिन था 21 जुलाई जब 2005 के एशेज की शुरुआत हुई थी। सीरीज से पहले सभी क्रिकेट एक्सपर्ट्स ऑस्ट्रेलिया को ही फेवरेट्स मान रही थी, और ऑस्ट्रेलिया फेवरेट क्यों ना हो। जिस टीम में हेडन लैंगर, पॉन्टिंग, कलार, गिलक्रिस्ट, वॉन, गिलेप्सी, ब्रेटली और मैग्रा जैसे एक से बढ़कर एक लेजेंडरी प्लेयर्स हो, भला उसे हराना कोई आसान काम नहीं था। जबकि इंग्लैंड टीम में ऐसा कोई भी खिलाड़ी नहीं था जो अपने दम पर मैच का रुख मोड़ सके। ले देख के इंग्लैंड के पास ट्रेस्कॉथिक, वॉन, हॉगार्ड, फ्लिंटॉफ जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे, तो वहीं केविन पीटरसन की ये पहली सीरीज थी। जब लॉर्ड्स में हुए पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को महज 190 रनों पर ऑल आउट कर दिया तो लगा कि शायद अब कुछ गड़बड़ होने वाला है। लेकिन पलटवार के लिए मशहूर ऑस्ट्रेलियन टीम ने इंग्लैंड को सिर्फ 155 रनों पर आउट करके दिखा दिया था कि वो यहाँ वाकई में एशेज जीतने ही आए हैं। 35 रनों की मामूली सी बढ़त पाकर ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 384 रन बनाकर इंग्लैंड को 420 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट दिया था, जिसके जवाब में इंग्लिश बैटिंग ऑर्डर सिर्फ 180 रनों पर ढह गया था और ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच 239 रनों के बड़े मार्जिन से जीतकर 2005 के एशेज का आगाज एक जीत से किया था। लोगों ने मान ही लिया था कि ये सीरीज भी ऑस्ट्रेलिया बड़े आराम से जीत जाएगी। एस्बेस्टन में हुए दूसरे टेस्ट में टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को पहले बल्लेबाजी करने की दावत दी थी। इंग्लैंड के लिए यह सौदा तब फायदेमंद साबित हुआ जब स्ट्रॉस और ट्रेस्कॉथिक की सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 112 रन जोड़ दिए थे। फिर मिडिल ऑर्डर में फ्लिंटॉफ और पीटरसन ने अर्धशतक जड़कर टीम का स्कोर 407 रन तक पहुंचाया था। वहीं जवाब में ऑस्ट्रेलिया 308 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। दूसरी पारी में ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की बैटिंग को सांप सूंघ गया हो। पूरी टीम अचानक 182 रनों के स्कोर पर लड़खड़ा गई। अब इस मैच को जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया को चाहिए थे 282 रन, जो ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप को देखकर बेहद आसान लग रहा था। लेकिन एंड्रयू फ्लिंटॉफ के यादगार स्पेल ने ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी और नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 2 रनों से जीतकर इंग्लैंड ने इस सीरीज को 1-1 की बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया था। सीरीज रोमांचक मोड़ पर तब आ गई थी जब मैनचेस्टर में हुआ तीसरा टेस्ट ड्रॉ हो गया था, वो तो भला हो ली और मैग्रा जैसे पुछल्ले बल्लेबाजों का, वरना ये टेस्ट मैच भी ऑस्ट्रेलिया हारते हारते रह गई थी। हालांकि इस मैच में माइकल वॉन और रिकी पॉन्टिंग ने अपनी अपनी टीम की तरफ से शतक जड़े थे, लेकिन फिर भी दोनों की शतकीय पारी मैच के रिजल्ट के लिए काफी नहीं था। चौथा टेस्ट नॉटिंगम में था और यहीं पर यह फैसला होना था कि कौन सी टीम इस सीरीज में बढ़त बनाएगी। सभी की निगाहें इस टेस्ट मैच में गड़ी हुई थी। पहले बैटिंग करके इंग्लैंड ने तगड़ी ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप के सामने 477 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया था, जिसमें ऑलराउंडर फ्लिंटॉफ ने 102 रन बनाए थे। जवाब में ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम 218 रनों पर ऑल आउट होकर फॉलो ऑन खाने पर मजबूर हो गई थी। दूसरी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने बड़े ही मुस्तैदी से बैटिंग करके 387 रन स्कोर बोर्ड पर टांग दिए थे, जिसकी वजह से इंग्लैंड को 129 रनों का टारगेट चेज करने को मिला। पेपर पर यह टारगेट किसी भी टीम के लिए खीर खाने जितना आसान था, लेकिन जब सामने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम हो तो उस खीर को संभल कर खाना चाहिए। यानी 129 रनों को चेज करने के लिए इंग्लैंड को एरी चोटी का जोर लगाना पड़ा। इंग्लैंड के 7 विकेट पतझड़ की तरह गिर गए। फिर एशले जायस और मैथ्यू हॉगार्ड की जोड़ी ने 3 विकेट रहते ही इंग्लैंड को 2-1 से आगे करके पूरे क्रिकेट जगत में यह सनसनी फैला दी कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम एशेज में पीछे हो गई है और अब होना था 2005 की ऐतिहासिक एशेज का अंतिम और डिसाइडर टेस्ट, जहां पर यह तय होना था कि 3-1 से सीरीज जीतकर इंग्लैंड 18 साल का एशेज जीतने का सूखा ख़त्म करेगी या फिर 2-2 से बराबरी कर ऑस्ट्रेलिया अपने ही पास एशेज रखेगी। इस सीरीज में तीसरी बार टॉस जीतकर इंग्लैंड के कप्तान माइकल वॉन ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया
ये फैसला सही तब साबित हुआ जब इंग्लैंड ने पहले इनिंग्स में 373 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। पहली पारी में ओपनर एंड्रयू स्ट्रॉस ने 129 रन बनाए थे। बदले में ऑस्ट्रेलिया ने भी मुंहतोड़ जवाब देते हुए ओपनर लैंगर और हेडन की शतक की मदद से 367 रन बनाए। कुल मिलाकर यह मुकाबला बेहद इंटरेस्टिंग और बराबरी का था। दूसरी पारी में इंग्लैंड ने सीरीज डेब्यूटेंट केविन पीटरसन के 158 रनों की पारी से एक बार फिर 300 से ज़्यादा का स्कोर बनाते हुए 335 रन बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया को 342 रनों का लक्ष्य दिया। ये मैच पाँचों दिन चला और इस मैच में कई बार बारिश ने भी खलल डाला था और इस टेस्ट मैच का एंड उस तरह से नहीं हुआ जिसकी उम्मीद एक क्रिकेट प्रेमी कर रहा था। पाँचवें दिन के आखिरी मिनट में ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 4 ही रन बनाए थे कि अंपायर ने मैच को दोनों कप्तानों की सहमति से ड्रॉ डिक्लेयर करके ये तय कर दिया था कि इंग्लैंड ने 2-1 से ये सीरीज जीत ली है। 2005 का हर एक टेस्ट अपने रोमांच के लिए जाना जाएगा। अपने आप में ये सीरीज किसी फिल्म स्टोरी की तरह थी जहां पर सारे इमोशन थे। इसमें दर्द था, खुशी थी, गम था, गुस्सा था, एक्साइटमेंट था, फ्रस्ट्रेशन थी और स्पोर्ट्समैनशिप भी थी। कमज़ोर कही जाने वाली इंग्लैंड ने मजबूत ऑस्ट्रेलिया के सामने हर सेशन में डटकर मुकाबला किया था और हर डिपार्टमेंट में उन्हें पटखनी देकर उस दौरे में ये साबित कर दिया था कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को भी टेस्ट में हराया जा सकता है। इस सीरीज़ में फ्लिंटफ और शेन वॉर्न को प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड मिला जबकि आखिरी टेस्ट में केविन पीटरसन को मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। कई लोग को इस बार का एशेज 2005 की एशेज की याद दिला रहा है। फिलहाल अभी तक इस बार की एशेज सीरीज में 2-1 से ऑस्ट्रेलिया आगे है और अभी तक हुए 3 टेस्ट मैचों में दोनों ही टीमों ने हमें इंटरटेनमेंट देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम उम्मीद करते हैं कि बाकी बचे 2 टेस्ट भी पहले 3 टेस्ट मैचेस की तरह ही कड़े हों और दोनों ही टीम एशेज जैसी हिस्टोरिकल सीरीज का रोमांच बनाए रखें। अभी तक इस सीरीज में आपकी सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सी है और अगर कुछ उसमें आपको इंस्पायरिंग लगा है तो हमें नीचे कमेंट में बताएं, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।